नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शास्त्रों में ज्योतिष का बड़ा महत्व रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों का व्यवहार आपके जीवन को प्रतिकूल और कई बार अनुकूल बनाता है। इन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा को आपके जीवन में सरल और अनुकूल बनाने का काम करता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष आपके भौतिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निदान है और इसी को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। हर रोज की तरह दर्शकों, आज भी हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है और जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर। और साथ ही साथ आचार्य जी से जानेंगे शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन के बारे में, मंत्र और महत्व के बारे में, और माँ कालरात्रि की पूजा करने का जो सही तरीका है वो भी आचार्य जी से जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहली चार राशियों को लेकर, जो कि है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज का दिन आपके लिए तनाव भरा हो सकता है। आज व्यापार में आपके बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। आज आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 40% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आज आप कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक मामलों में कुछ नया आपको आज सोचना होगा। भविष्य के लिए कोई नया मेहमान आज घर आएगा। भगवान शिव की उपासना करना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 8 और भाग्य का मीटर 40% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, भगवान गणेश आज आपको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके सभी सपने आज वो साकार कर रहे हैं। धन के बड़े लाभ के योग हैं। तुलसी माँ को आज दीपक जलाना आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर आज 70% आपको सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज समाज में आपको मान सम्मान और पहचान मिलने जा रही है। आज आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे। कारोबार में भी सुधार होगा। शिव चालीसा का पाठ करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। तो बिल्कुल ही आचार्य जी ने पहली चार राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। लेकिन दर्शकों, कष्ट चाहे कैसे भी हो, समाधान अगर उसका आप चाहते हैं, उसका निवारण चाहते हैं, वो उपचार जानना चाहते हैं, तो आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो ये लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी मेल आईडी पर आपको मेल करना है। मेल करके छोटी छोटी सी डिटेल्स, यानी कि नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, ये चार चीज़ें भेजकर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। और यहाँ आचार्य इन डिटेल्स के माध्यम से देखते हैं कि आपकी कुंडली में क्या कुछ चल रहा है, साथ में वो कारण भी बताते हैं कि जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं। कई बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आप तो अपना 100% देते हैं लेकिन बदले में आपको रिजल्ट 100% नहीं मिलता है, क्या कुछ कारण है वो कुंडली के माध्यम से आचार्य जी बताते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको उपचार भी बताते हैं और आप अपने जीवन को किस प्रकार से खुशहाल बना सकते हैं, वो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती हैं। क्योंकि अगर दर्शकों, परेशानियों से हम जूझते रहेंगे, उनका समाधान नहीं ढूंढेंगे, तो वो परेशानियां धीरे धीरे करके परेशानियों का सबब बन जाएंगी। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सही वक्त पर, सही समय पर उनका समाधान ढूंढना बेहद जरूरी है। इसीलिए आप देर मत करिए, लगातार टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो यहाँ पर भेज सकते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर प्रश्न ले लेते हैं। पारुल हैं जो कि ग्वालियर से हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको बता देते हैं 21/12/1990 और समय है शाम का 7 बजे जी। इनका प्रश्न है कि मैं लगातार वीज़ा के लिए ट्राई कर रही हूँ लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वीज़ा हमारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब आप कोई उपाय बताइए, कैसे मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, मैं कैसे इस चीज़ को पॉसिबल कर पाऊँ जी। आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो मिथुन लगन की है और साथ साथ मकर राशि की है। विदेश जाना चाहती हैं, विदेश के लिए हम 12वें भाव को देखेंगे।
जहाँ पर शुक्र की राशि वृषभ उदित होती है और शुक्र इस कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है शत्रु सूर्य के साथ, और बारहवें भाव पर विराजमान हो गए हैं मंगल, जो कि शुक्र के परम शत्रु ग्रह माने जाते हैं। और साथ साथ हम ये भी बता दें कि बारहवें भाव से शुक्र अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं, शराष्ट्रक योग बना रहे हैं बारहवें भाव से अपनी राशि से शुक्र, इसलिए आपको आपका वीज़ा लेने में प्रॉब्लम आ रही है और विदेश जाने में आपको संकट आ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण की उपासना करनी है और मारुति नंदन हनुमान जी की उपासना करनी है, बजरंग बाण का पाठ करना है। और एक चीज़ आप और करें, किसी मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा दें, एक फ्लैग लगवा दें, मंदिर का फ्लैग। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी और आप विदेश जाने का जो आपका सपना है बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल पारुल, विदेश जाने का जो आपका सपना है वो जल्द ही पूरा होगा, लेकिन जो उपचार यहाँ आचार्य जी ने बताए हैं इनको सही तरीके से करिएगा और जल्द ही आप भी विदेश जा पाएंगी। आगे दर्शकों बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर, और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज मेहनत के बल पर आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, रोजगार में आ रही परेशानियां भी आज आपकी दूर होंगी, कोई छोटी यात्रा हो सकती है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 7 और भाग्य का मीटर 80% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, छात्रों को आज कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, आज परिवार में खुशियों का माहौल है। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 6 और भाग्य का मीटर आज 70% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आपके रुके हुए कुछ दिनों के सारे कार्य आज पूर्ण होंगे, कारोबार में भी आज बड़ा फेरबदल हो सकता है, कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, गौ माता की सेवा करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 70% सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज का दिन आपको राहत देने वाला है, अटके हुए सभी कार्य पूरे होंगे, अपने परिवार में किसी वरिष्ठ और गुरुजन का आशीर्वाद लेकर आज दिन की शुभता को बढ़ाया जा सकता है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर 50% आपको सहयोग करेगा। दर्शकों, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है और आज यानी 21 अक्टूबर को नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का भी नाश होता है। ऐसे में आचार्य जी से जानेंगे माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में, पूजा विधि के बारे में, मंत्र और महत्व के बारे में। आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के 7वें रूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, अर्थात इनकी पूजा करने से शनि के दुष्प्रभाव से आपको बचाव हो जाता है। दुर्गा पूजा के दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र से में स्थित होता है, जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूरी तरह से माँ कालरात्रि के स्वरूप में स्थित रहता है। यह शुभांकरी देवी भी हैं, इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। माँ का स्वरूप पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। उनकी उपासना से प्राणी सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रवाहित करती हैं। इनकी नसिका के श्वास में अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। एव इनका वाहन गदर्भ है। इनके ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में वर मुद्रा में सभी को वर प्रदान करती हैं तथा दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में खड़ग धारण किया हुआ है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देती हैं।
इसी कारण इनका नाम शुभांकरी देवी भी है। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार का भयभीत और आशंकित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। माँ कालरात्रि अपने उपासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत प्रेत राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ व्यक्ति से दूर भागने लगती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली एव ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं सताते। हमें निरंतर इनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। सभी व्याधियों और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना विशेष फलदायी है। कलश पूजन करने के उपरांत माता के समक्ष दीपक जलाकर रोली, अक्षत, फल फूल आदि से पूजन करना चाहिए। देवी को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं। इनके पूजन में गुड़हल और गुलाब का पुष्प अर्पित करने से माता प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि का मंत्र उच्चारण करें, माँ को गुड़ का भोग लगाएं तथा माँ के गुड़ का भोग अन्य साधकों में बांटें तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। दर्शकों, आपने जाना कि माँ कालरात्रि की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या सही विधान है पूजा करने का। साथ ही साथ यहाँ पर आचार्य जी ने और भी कई सारी बातें बताई हैं, महत्व बताया है, माँ का स्वरूप कैसा है वो भी बताया है। आगे बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर, और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज आपको व्यापार में विशेष सावधानी बरतनी है। हो सकता है कहीं आपका बड़ा धन आज रुक जाए, इसलिए निर्णय बड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 70% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज आपको परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिल रहा है। नया कोई व्यवसाय अगर आप चाहते हैं तो आज शुरू कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना करना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 2 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज पारिवारिक माहौल बहुत सकारात्मक है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी आज अपनी प्रतिभा दिखाएं और माँ सरस्वती की उपासना करें। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज कोई काम जल्दबाजी में मत करिएगा। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो लाभकारी सिद्ध होगी। माँ दुर्गा की आज पूजा करें। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। बिल्कुल, ये आचार्य जी ने आखिरी चार राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। आचार्य जी, समय बहुत कम है लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर जरूर लेंगे जी। राघव हैं जो कि चेन्नई से इनका मेल आया है हमारे पास में, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/6/1992 और समय है दोपहर का 12:30 बजे। इनका प्रश्न अपने करियर को लेकर के है। इन्होंने बोला है कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है लेकिन आगे ये कोई बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन किस क्षेत्र में करें ये कंफ्यूज हैं। आप इनको मार्गदर्शन करिए जी। आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो कन्या लगन की है और साथ साथ धनु राशि की है। कन्या लगन की कुंडली में बुध उसके मालिक बनते हैं और बुध विराजमान है दशम भाव में, अपनी ही राशि में भद्र राजयोग बनाते हुए। लेकिन भद्र राजयोग इनको बहुत अधिक लाभ नहीं दे पा रहा क्योंकि केतु वहाँ पे विराजमान हो गए हैं, नीच के होके वहाँ कंजेक्ट कर गए हैं केतु। इसलिए आपको रुकावटों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप बुध से संबंधित कार्य और शुक्र से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आपको कोई HR की फील्ड, कोई एडवाइजरी काम में जाना चाहिए कि उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा, या फिर आप आधुनिक भौतिक चीज़ों की फील्ड करें, कोई नए गैजेट्स का काम कर सकते हैं। कोई स्टार्टअप यदि शुरू करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, वो आपको बड़ा लाभ देगा। और अभी जो आपका समय चल रहा है जुलाई 2024 तक काफ़ी शुभ है। आने वाले दिसंबर के बाद जुलाई 2024 7 महीने, इस समय आप जो भी नया काम करेंगे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दर्शकों, आगे बात करेंगे बर्थडे टिप्स में, जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए, आइए जानते हैं।
जिनका भी आज जन्मदिन है हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान विष्णु को 11 पीली कौड़ियां भेंट करके उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष सुख में रहेगा और सफलताएं प्राप्त होंगी। जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए, आइए जानते हैं। जिनकी भी शादी की सालगिरह है दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान कृष्ण और मां राधा को मुकुट भेंट कर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। अवॉइड ऑफ द डे में हम जानेंगे कि आज के दिन आपको कौन सी चीज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, आइए जानते हैं। आज के दिन ताड़ के फल का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। ताड़ का फल, ताड़ का पेड़ जो कि बंगाल और बिहार में पाया जाता है अधिकतर, इसका प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना। और टिप्स ऑफ द डे में कुछ ऐसी टिप्स जो सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित हो। टिप्स ऑफ द डे में आज के दिन बंदरों की सेवा करें, उन्हें गुड़ चना केला खिलाएं, उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। तो दर्शकों, इसी के साथ ही समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।